तरीके के संकट बने हुए हैं, उन संकटों के बीच अब वहां के जो नेता हैं वो वहां से भाग निकले हैं। आर्थिक संकट के साथ ही राजनीतिक संकट भी अब यहां पर गहरा गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर मालदीव भागने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। उन्होंने बुधवार को हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पूरे देश में आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू लगाने की अधिसूचना भी जारी कर दी। बुधवार को भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री ऑफिस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और करीब 30 प्रदर्शनकारी घायल हो गए, एक की मौत भी हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं राजपक्षे ने जनता के विरोध प्रदर्शन के डर से सिंगापुर जाने के लिए मालदीव सरकार से प्राइवेट जेट की मांग की। मालदीव में गोटाबाया के खिलाफ प्रदर्शन हुए और यह भी बात अब कही जाने लगी है कि जो नेता है देश का, जो पायलट होता है किसी भी विमान का, अगर वो भाग जाए तो फिर विमान की हालत क्या होगी। उसी हालात से आज श्रीलंका गुजर रहा है, पहले आर्थिक संकट अब राजनीतिक संकट, कब ठीक होगा देखना होगा, लेकिन पड़ोसी देश है इसीलिए उसका असर जो है पड़ोस तक निश्चित तौर पर आता ही आता है। उधर इस्लामिक देश ईरान में हिजाब का